हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुरैशी कबाब, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जैसे ही आप मुंह में लेंगे बिल्कुल घुल से जाते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 kg मटन का कीमा ली हूँ। यहाँ पे हमें ऐड करना है, यहाँ पे हमें लेना है 1 प्याज, जिसे मैं स्क्वीज़ कर लिया, और इसका बिल्कुल पानी निकाल देना है निचोड़ करके। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अदरक, जितना आप तीखा खाते उसी हिसाब से ले। हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, नमक 1/2 टीस्पून, हमें लेना है भुना हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 टीस्पून बेसन। इसे मैं भून ली थी, अगर आपके पास चना है तो आप उसे भी पीस सकते हैं। इसके बाद हमें इसे पीस लेना है। पीसने के बाद यहाँ पे मैं बॉल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अगर आपके घर में सीक नहीं है तो आप घर में बना सकते हैं। हमें 4 ले लेना है वुडन स्क्वीज़, और इसे फोल्ड कर देना है फॉइल से, तो ये बिल्कुल सीक के तरह हमारा बन जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये रेडी हो गया है, और अगर आपके पास सीक है तो आप उससे भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है ताकि खुले नहीं, और ये बनके रेडी है हमारा सीक। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमें ले लेना है, और इसके ऊपर, सीक के ऊपर हमें अच्छे से प्रेस करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये अच्छे से हम प्रेस करेंगे ताकि सीक के ऊपर हमारा जो गोश्त है अच्छे से लग जाए। उसके बाद इसे निकाल लेना है हल्के हाथों से, और इसे हम थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि फ्राई करने के वक्त फिर ये छोटा हो जाता है। ये बनके रेडी हो चुका है। एक और मैं बना करके दिखला रही हूँ किस तरीके से हमें बनाना है। बहुत ही ईजी है ये तरीका। यहाँ पे एक और बन के रेडी है। इसी तरीके से मैं सारा बना ली हूँ। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमें ऑयल लेना है, और एक एक करके हमें कबाब को ऐड कर देना है इस ऑयल में। उसके बाद हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है साइड को चेंज करते हुए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये बहुत ही अलग तरीके का ये कबाब है। कबाब तो हम बहुत तरीके का खाते हैं, बट ये एक अलग तरीके का कबाब है। अब साइड को हम चेंज करेंगे। एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हमें निकाल लेना है। फ्राई करने के बाद हमें ऐड करना है मेल्टेड मक्खन। मक्खन ऐड करने पे हमारा जो कबाब का टेस्ट है बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इंजॉय करें कुरैशी कबाब। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कबाब कितना ज़्यादा हमारा सॉफ्ट और जूसी बनके रेडी है। बाय, टेक केयर।